क्या गरीब क्या अमीर, सभी लोग भगवे रंग में रंगे नजर आए। राम जन्मोत्सव के मौके पर आज नवमी का पूजन सभी लोगों ने अपने अपने घर में श्रद्धा के साथ ध्वजा लगाया। हजारीबाग के सभी मंदिर रास्ते में भगवा रंग के ध्वजा लहरा रहे हैं। हजारीबाग जिले के सभी गाँव में भी रामनवमी की पूजा धूमधाम से की जा रही है। गाँव में भी विशेष उत्साह देखी जा रही है। घरों में हो रहे विशेष पूजा एवं मंदिर की सजावट की आवाज डेली हर्षी टीवी के कैमरा ने कुछ खास तस्वीरों को कैद किया है। साथ साथ हजारीबाग बड़ा अखाड़ा के महंत विजयानंद दास से ब्यूरो प्रदीप पाठक ने रामनवमी के महत्व पर खास बातचीत की है। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ खास अंश एवं हजारीबाग जिले में नवमी के उपलक्ष्य में हो रहे उत्सव की कुछ झलकियाँ। आज मंदिर बहुत सज के तैयार है आप जितने श्रद्धालु लोग के लिए, तो कितने देर से आप लोग ये मंदिर सजाने में लगे हुए हैं? हम लोग 24 घंटा से लगे हुए हैं। और ध्वजा कितना बंधाया है मंदिर में? मंदिर में ध्वजा 100 को मंदिर में ध्वजा बढ़ाया है। ध्वजा 100 एक बड़ा छोटा मिला के, तो यहाँ कमेटी के अनुसार काम हो रही कि कैसे हो रहा है? नहीं, सब कमेटी के अनुसार, कमेटी के अनुसार, मंदिर कमेटी के अनुसार से होती है। सुबह से कितने बजे से पूजा शुरू हो गई थी? 4 बजे सुबह से। 4 बजे से। और कुछ बताना चाहते हैं मंदिर का खासियत आप तो बताएं दर्शकों को? मंदिर का खासियत ये है कि भक्त लोग, हजारीबाग के जितने भी भक्त लोग हैं, इस मंदिर का प्रभाव बहुत अच्छे हैं और इस मंदिर का भक्त लोग में पूरा श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते रहते हैं। दर्शकों को मंदिर के बारे बताइए, मंदिर क्या नाम है कुछ तो बताइए। महावीर स्थान मंदिर है। हाँ, हजारीबाग का प्रसिद्ध मंदिर महावीर स्थान चौक ये है। प्रसिद्ध मंदिर। और अपना नाम बताइए कमेटी में आपका? हमारे ये हम महावीर स्थान के अध्यक्ष है दीपक गुप्ता। और नजर बताना चाहते हैं? अरे इस मंदिर के बारे में बताना चाहते हैं कि पूरे झारखंड में हजारीबाग जिला का जो ये महावीर मंदिर है, महावीर स्थान चौक के पास, ये यहाँ पे जो भगवान हनुमान, जो हमारे हजारीबाग का जो विख्यात मंदिर में जो यहाँ या मंदिर में जो बाबा हनुमान का ये प्रतिमा है, इनको लोग दूर दूर से भी आके यहाँ का प्रभाव को मानते हैं और यहाँ की आस्था को मानते हैं। जो श्रद्धालु हैं उनकी मनोकामना ये बाबा बहुत अच्छे से सुनते हैं और उन्हें पूर्ण करते हैं। क्या परिचय हुआ? हम संतोष कुमार है मेरा नाम हुआ। कितने बजे से यहाँ पूजा हो रही है? पूजा सुबह 5 बजे से ही हो रहा है। आज किस चीज का पूजा हो रहा है? ये बजरंग बली का पूजा हो रहा है और यहाँ पर बहुत भक्तिभाव से पूजा किया जाता है। कौन तिथि है आज? आज जो पूजा हमने पूछा कि किस तिथि का है, मतलब क्या पूजा कर रहे हैं? आज नवमी का ध्वजारोपण है और थोड़ी देर बाद यहाँ से प्रोसेशन निकलेगा जो नगर परिक्रमा करके फिर यहाँ आ जाए। यहाँ से भी प्रोसेशन निकलना है? हाँ। क्या परिचय हुआ? ज्ञान सागर मेरा नाम है, मैं यहीं पर। आज क्या पूजा कर रहे हैं आप लोग यहाँ? आज नवमी की पूजा हो रही है। नवमी की पूजा हो रही है, कितने बजे से पूजा शुरू की? 9:30 बजे से। क्या पूजा में क्यों करते हैं, मतलब क्या है इसमें कुछ? पूजा करते हैं सुख शांति समृद्धि के लिए। क्या परिचय हुआ? दिनेश कुमार। विनोद बिहारी प्रसाद। कौन जगह है ये, कहाँ कर रहे हैं? रामनगर। आज हम हजारीबाग के बड़ा अखाड़ा में हैं और रामनवमी का शुरुआत अगर होती है तो यही महंत जी के आह्वान पर शुरुआत होती है और महंत जी से बात करना चाहेंगे हम। आवाज डेली हर्षित टीवी पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न कुछ बनते हैं इसके लिए आपके पास मैं आया हूँ। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आज तो तिथि नवमी है, इसका क्या महत्व है, इस पर बताएंगे कुछ आज। सबसे पहले हर्षित टीवी दर्शकों को रामनवमी मास समिति और रामनवमी संरक्षण समिति और बड़ा अखाड़ा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत बधाई। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, नवमी तिथि
मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीत। अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हुआ, जन्म हुआ और हम सभी इस पावन नवमी तिथि, देखिए इसमें एक बहुत बड़ा कला है, नौ नौ दुनिया अठारह आठ एक नौ नौ दिया सत्ताईस दो सात नौ नौ दो छत्तीस, जितना जोड़िएगा जहाँ चलते चलिएगा उसका जोड़ है जो नौ नौ रहे, तो यह अपने आप में यह तिथि जो है पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और इस महानवमी तिथि में भगवान का अवतरण होना अपने आप में यह अलौकिक है, दिव्य है। और इसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सूर्य जिस समय दिन दीवार में 12 बजे दिन में सूर्योदय में भगवान का जन्म होता है, इसलिए बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सभी नवमी तिथि को आत्मसात करते हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ नवमी तिथि का पान करते हैं, पूजन करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि नवमी का पूजन के बारे आपने बताया क्यों करते हैं, लेकिन यहाँ सभी लोग घर में ध्वजारोपण करते हैं, इस पर क्या? देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव है और घर घर हर घर मंदिर है हिंदुस्तान का, यह एक अलौकिक छटा है, कोई भी घर सुना नहीं है, गार्जियन है, अभिभावक है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का वास है, देवी मैया का वास है, इसके लेकर के घर घर हर घर हनुमान जी विराजमान होते हैं और एक पहचान है, यह एक संस्कृति है और यह एक संस्कार है कि अपने बच्चों को बताना कि अपने आंगन में देहली के ऊपर छत के ऊपर आंगन में पिंडा होता है और पिंडा में हनुमान जी का ध्वज स्थापित होता है। और यह सबसे वैज्ञानिक कारण क्या है कि जब आप बरसात के समय में देखते हैं कि बादल गरजता है तो उस समय यह जो बांस है अपने ऊपर समाहित कर लेता है, यानी कि आपके घर पे वज्र कभी नहीं गिरेगा, जिस घर में हनुमान जी का झंडा जमीन से लेकर के ऊपर आकाश तक रहेगा उस घर में लिखित रूप से एकदम गारंटी रूप से और वैज्ञानिक शोध से उसमें वज्र नहीं गिरेगा, वह घर आपका सुरक्षित रहेगा और उसमें संस्कार भरा हुआ है, क्योंकि जब ध्वज को हम देखते हैं नमन करते हैं प्रणाम करते हैं तो अपने बाल बच्चा भी खुशी से उस आंगन में खेलता और परमात्मा का यह लीला है, इसमें ध्वज स्थापित करना भी आवश्यक है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण से जब आपके घर में हनुमान जी का पताका रहेगा तो कोई भी सनातन धर्मावलंबी श्रद्धा और विश्वास के साथ जान जाएंगे कि यह सनातन परिवार का घर है। ध्वजा के बारे एक और कथा है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये जो ध्वजा आप महाभारत के एपिसोड में आप देखे होंगे या उसको देखे हैं, तो जो करण है वो श्री कृष्ण के रथ को जब मारते हैं तो बहुत पीछे चला जाता है और अर्जुन जो धनुधारी जो विख्यात थे तो कृष्ण हंसते थे, तो इस पर विस्तृत तरह दर्शकों को बताएं। देखिए जितने महारथी हैं सभी के रथ में ध्वज स्थापित है, चाहे वो कर्ण का हो, दुर्योधन का हो, भीष्म का हो, द्रोणाचार्य का हो, कृपाचार्य का हो, अर्जुन का हो, युधिष्ठिर का हो, सबके रथों में धर्म रथ ही वह है जिसमें ध्वज है स्थापित है। कर्ण आपके अर्जुन के रथ में जो है श्री हनुमान जी विराजमान है और स्वयं हनुमान जी विराजमान होकर के रथ के रथारूढ़ हैं, जब कर्ण चलाता था तीर तो वह रथ दो कदम पीछे हो जाता, इसका मतलब होता था भगवान कृष्ण कहते थे वाह कर्ण वाह, बड़ाई करते थे कि जिस पर मैं स्वयं विराजमान हूँ जिसके शिखर पर हनुमान जी विराजमान है वह भी दो कदम पीछे हो जाता है, इतना शक्तिशाली कर्ण का बाल होता था। और जब कर्ण का क्षय हो गया, महाभारत युद्ध विजय की ओर चला गया, विजय होने से पूर्व भगवान कृष्ण बोले कि कर्ण रथ से नीचे उतरो, तो कर्ण ये अर्जुन है जो आश्चर्य कह रहे भगवान आप उतरिए प्रभु, पहले आप उतरिए उसके बाद मैं उतरूं, अरे मैं जो कहता हूँ सुनो उसे, आप उतरो नीचे। जब वह उतर गए अर्जुन नीचे उतरे, उसके बाद जैसे कृष्णवान रथ से उतरे नीचे वह रथ विस्फोट कर गया, ब्लास्ट कर गया, और जब ब्लास्ट किया तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ऐसा घोर कैसे हो गया, यह रथ उड़ कैसे गया, ब्लास्ट कैसे कर गया। उसमें कृष्णवान कहते हैं
जिसके शिखर पर हनुमान जी विराजमान थे। हनुमान जी स्वयं तुम्हारे रथ को बांधे हुए थे। जिस तरह आज हिंदू समाज के सनातन समाज के लोगों को सभी के घरों को हनुमान जी बांधते हैं, समरसता का प्यार बांधते हैं। ये बड़ी बात है कि जिनके घर में हनुमान जी का ध्वजा रहता है वो घर खुद ब खुद बंधा रहता है और वहां विपत्ति नहीं आती है। इसलिए आज नवमी के दिन में ध्वजारोपण हर घर में होता है और आज मैं आपको हजारीबाग के सभी कोशिश करूंगा कि बहुत सारे मंदिर जहां ध्वजा है और बहुत सारे घर में भी आज पूजा होते हैं उनके कुछ दृश्य आपको दिखा सकूंगा।